नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है, साथ ही एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को भी सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक ऐसा फैसला जिसका किसानों और टिकुनिया कांड पीड़ितों को बेसब्री से इंतजार था। टिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जो जमानत मिलने के बाद कई दिनों से खुला आम घूम रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की पीठ ने फैसला सुनाते हुए एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। हाई कोर्ट ने कई अप्रासंगिक विचारों और अनदेखी मिसालों को ध्यान में रखा है। आगे की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट नए सिरे से विचार करे। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी। आशीष 15 फरवरी को 129 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ था। ये मामला 3 अक्टूबर 2021 का है, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर दौरे पर गए थे। इस दौरान रास्ते में तिकुनिया इलाके में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन उनको क्या पता था कि अपनी मांगों का प्रदर्शन करना प्रदर्शनकर्ताओं की जान पर खतरा बन जाएगा। प्रदर्शन के दौरान ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने निहत्थे और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 4 किसानों की मौत हो गई, जिसने हिंसा को और भड़का दिया, जिसमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की भी मौत हो गई। डेथ रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर उन्होंने आशीष मिश्रा टेनी का जो फैसला उसको सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर लेकर उन्होंने सुनवाई की है और सरेंडर करने की बात कही है। अब तक के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।